सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे हुए हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में, अल्पसंख्यक समाज में जिस भ्रम को पैदा कर दिया है वह उसको दूर करेंगे। वहां जाकर जनसभा की और भारत में आए हुए जितने भी शरणार्थी हैं उनको दो भागों में फिर बांट दिया। एक भाग को घुसपैठिया बताया गया और दूसरे भाग को शरणार्थी के रूप में पेश किया गया। ममता बनर्जी पर भी निशाना लगाया गया, मुस्लिमों के तुष्टीकरण की राजनीति करता हुआ पेश किया ममता बनर्जी को और कहा कि वह अब मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, तुष्टीकरण कर रही हैं और घुसपैठिए उनके अपने हैं। तो घुसपैठिए और शरणार्थियों में एक लकीर बना दी गई है, वह आप भी समझ लें। अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़ अन्य जितने भी समुदाय हैं वह शरणार्थी हैं, अल्पसंख्यक समुदाय घुसपैठिए के रूप में सामने रखा गया है। भ्रम दूर करने की बात कही जा रही थी, दिल्ली हिंसा को लेकर जो लगातार बातें सामने आ रही हैं, जहाँ ताहिर हुसैन का नाम भी जोर शोर पर सामने रखा जा रहा है, वहीं कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर पर भी लगातार उंगलियाँ उठ रही हैं। चाहे वह जस्टिस मुरलीधर हो या पूरे समाज की बात हो, वहाँ पर विवादित बयान दिए गए थे, विवादित भाषण दिए गए थे, जिनको लेकर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। लेकिन इस पर न्यायालय कोई संज्ञान लेगा या नहीं लेगा। लेकिन अमित शाह भी जब कोलकाता में रैली कर रहे थे, वहाँ भी अनुराग ठाकुर के उस बयान की पुनरावृत्ति हो रही थी, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश वगैरह वगैरह, इस बात की पुनरावृत्ति होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अमित शाह बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो यहाँ न्यायालय चुप क्यों है? उंगलियाँ लगातार हम न्यायालय पर उठाते रहेंगे और सवाल करते रहेंगे कि इस तरह के भाषण, जिस पर जस्टिस मुरलीधर ने कहा था कि एफआईआर होनी चाहिए, रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन उसके बावजूद जब मुरलीधर का ट्रांसफर हो जाता है, तबादला हो जाता है, गृह मंत्री अमित शाह की रैली में फिर इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो क्या आप दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर है? यह भी सोचने वाली बात है। लगातार आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने भ्रम फैला दिया है मुस्लिम समाज के ऊपर कि उनसे नागरिकता छीन ली जाएगी, बल्कि यह नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता छीनने का कानून है। लेकिन आप आसाम की उस घटना को बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, जहां एनआरसी की प्रक्रिया पूरा होने के बाद मुस्लिम समाज लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे जुबैदा हो या फखरुद्दीन हो। 15 से 19 दस्तावेज उनके पास है, लेकिन वह दस्तावेज 1971 के नहीं है। वह दस्तावेज यह बिल्कुल साबित नहीं करते हैं कि फखरुद्दीन और जुबैदा 1971 से ही भारतीय हैं या उनके बाप या दादा भारत में रह रहे थे। इसको लेकर वह लगातार बाबुओं के चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। जो जमा जो की रखी हुई थी, जुबैदा की एक पुत्री हैं जो 5 वर्षीय हैं, स्कूल भी जाती हैं, उनकी फीस भी जमा करनी होती है, लेकिन जुबैदा ने कहा है कि उनकी जो जमा जोखी थी, जमा पूंजी थी, वह सारी खर्च हो चुकी है बाबुओं और अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते। उनके पति भी बीमार हैं, वह काम पर नहीं जा सकते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करती हैं जुबैदा, और फखरुद्दीन की भी अर्थव्यवस्था का यही हाल है। जब यह जद में आ गए हैं तो क्या न्यायालय अब इस बात पर कोई संज्ञान लेगा या नहीं लेगा? किस तरह अमित शाह हों या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, भ्रमित करते हुए नजर आ रहे हैं मुस्लिम समाज को। एक ओर तो यह कहा जा रहा है कि यह नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, लेकिन जुबैदा और फखरुद्दीन की घटना से कहीं ना कहीं भारतवर्ष के वह सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग डरे हुए हैं, जिनके पास वह दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित हो सकता है कि वह 1971 के समय भारत आ चुके थे या नहीं आ चुके थे। इस संबंध में आपकी क्या राय है? तृणमूल कांग्रेस को भी निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यक को लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग घुसपैठिए कहलाए जाएंगे और अन्य समुदाय के लोग शरणार्थी के रूप में सामने आएंगे। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यायालय को कोई संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर भी आपकी राय महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।